इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो कि सीरीज 5 गो सीरीज था, तो इंडिया 4-1 से जीत लिया। और उसके बाद अब इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच होने वाला है, जो कि 10 दिसंबर से यह मैच स्टार्ट हो जाएगा। और 3 T20 खेला जाएगा और 3 वनडे खेला जाएगा और 2 टेस्ट खेला जाएगा, जो कि तीनों स्क्वाड निकल के आ गया है। जो कि देख सकते हैं T20 का स्क्वाड। T20 का स्क्वाड है जो कि यशस्वी जसवाल, बैट्समैन में यशस्वी जसवाल है, सुमन गिल है, ऋतुराज गायकवाड़ है, तिलक वर्मा है, सूर्यकुमार यादव कैप्टन है, रिंकू सिंह है, श्रेयस अय्यर है, और ऑलराउंडर में वाशिंगटन सुंदर है, रविंदर जडेजा है, और विकेट कीपर में ईशान किशन, जितेश शर्मा, और बॉलर में रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, दीपक चहर ये है। और बड़े बड़े जो कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सबको मतलब T20 से वो लोग को अभी आराम दिया गया है। और केएल राहुल जो कि इस टीम का T20 का हिस्सा नहीं है। और ODI का जो कि देख सकते हैं ऋतुराज, बैट्समैन में ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन को मौका दिया गया है, तिलक वर्मा है, रजत पाटीदार है, रिंकू सिंह है, श्रेयस अय्यर है, ऑलराउंडर में वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, विकेट कीपर में केएल राहुल कैप्टन है, वनडे सीरीज का संजू सैमसन को मौका दिया गया है इस वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका के, और बॉलर में कुलदीप यादव, इंद्रेन चहल को लाया गया है वनडे में, मुकेश कुमार, आवेश खान, अर्शदीप सिंह और दीपक चहर को मौका दिया गया। और टेस्ट सीरीज को देखिए, देख सकते हैं उसमें रोहित शर्मा वापस कप्तानी करेंगे टेस्ट सीरीज में आके, तो रोहित शर्मा है, सुमन गिल, यशस्वी जसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, ऑलराउंडर में रविचंद्र अश्विन, रविंदर जडेजा, विकेट कीपर में ईशान किशन है और केएल राहुल है, और बॉलर में शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद शमी। मतलब तो मुकेश कुमार को तीनों फॉर्मेट में मौका दिया गया है। और यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जो कि पुजारा को मौका नहीं दिया गया है, और रहाणे को, जो कि रहाणे को जो कि 23 में जो कि WTC फाइनल हुआ था, टेस्ट चैंपियनशिप जो कि फाइनल हुआ था, उसमें वाइस कैप्टन थे रहाणे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया है। तो अब लगता है कि वो और पुजारा को लगता है कि टेस्ट सीरीज में अब लगता है कि मौका नहीं दिया जाएगा, जो कि इस सीरीज से साफ जाहिर हो रहा है। और मैच जो कि देख सकते हैं कितना कितना तारीख को मैच खेला जाएगा, तो फर्स्ट मैच जो कि T20 का है 10 दिसंबर को फर्स्ट T20 खेला जाएगा, सेकेंड T20 जो कि 12 दिसंबर को है, और थर्ड T20 14 दिसंबर को है, और फर्स्ट ODI 17 दिसंबर को है, सेकेंड ODI 19 दिसंबर को है, और थर्ड ODI 21 दिसंबर से है, और टेस्ट सीरीज फर्स्ट जो कि 26 से खेला जाएगा, और सेकेंड